हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको आया हो। आप बहुत ही मज़े में होंगे। आज है इंडिया का दूसरा दिन और हम जा रहे हैं हमारे गांव, मतलब मेरे मायके भी और मेरे ससुराल भी। वो पास पास में ही है, वहाँ से एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो हम अभी निकलेंगे और पहले तो जाएंगे दादर। दादर जो मुंबई का एक शहर है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से हमारी ट्रेन रहेगी कोकण के लिए। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको जो कोकण कोकण लगता था ना कि कोकण क्या है और कोकण टू केन्या, ऐसे केन्या तो सबको पता है लेकिन कोकण क्या है, ये जो एक कंफ्यूजन था आज सॉल्व होगा कि कोकण जगह क्या है एग्जैक्टली। तो आज तो नहीं लेकिन अगले कुछ व्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी कि हमारा कोकण कैसा है और कोकण एग्जैक्टली क्या है। तो अभी चलते हैं। मेरा तो तैयारी हो गया है, आप देख सकते हो ये बैगेज कितना है हमारे पास, 1, 2 और 3 और ये 4 और 5। ठीक है, 5 तो ऐसे छोटे मोटे सारे मिक्स है। और यहाँ सोए हैं मेरे बच्चे, दिव्या सुधर सोया है, मायरा यहाँ सोई है और इसी के बिना, ठीक है, लगभग 5:30 होने को आए। एसी के बिना तो हम सो नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही कि पूछो ही मत, मतलब हाल ख़राब हो गए। और केन्या में हमारा टेम्परेचर कितना ठंडा होता है, लगभग जैसे 15-17 डिग्री, रात को 11 डिग्री तक भी जाता है, लेकिन यहाँ पे 25 से ऊपर ही है। और 25 से क्या, 30 से ऊपर ही है, 25 तो नहीं, 30 से ऊपर ही है। और इतना ऐसे चिकट 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 ऐसे लग रहा है एकदम पूरे हाथ पैरों में। तो चलो, हमारी तैयारी हो गई है। सुबह के बजे 5:30 हम सोए थे, लगभग 2 बजे है ना, 2 बजे हम सोए थे, तो 3 घंटे की नींद हो गई है हमारी बस। और तो फिर क्या ही करें, नींद अगर करते रहे तो फिर बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, टाइम कम रहता है और फिर बहुत सारी चीज़ें करनी रहती हैं। तो अभी मेरे जीजा जी आएंगे और फिर हम जाएंगे स्टेशन जो कि 5 मिनट की दूरी पे है यहाँ से, और वहाँ से फिर हम दादर जाएंगे। तो चलो, पूरा जर्नी दिखाने का कोशिश करूँगी मैं। चलिए, सा वजन कितनी चाहिए? 6-5। बाबा सुबह सुबह ये 6-5 की लोकल है और अभी हम जा रहे हैं दादर, फिर दादर से मांडवी लोकल पकड़ेंगे। लेकिन हमारे पास है लगभग 3 बड़े बैग्स, देखते हैं अब कैसे। चढ़ना तो हो जाएगा क्योंकि जीजा जी मेरे आए हैं, लेकिन उतरना थोड़ा मुश्किल होगा शायद, तो देखते हैं अब कैसे होता है पॉसिबल। लेकिन ये ट्रेन का ट्रैवल तो मैंने और रोहित ने 9 साल में सिर्फ ये सेकेंड टाइम कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन का भी ट्रैवल प्राइवेट व्हीकल करके ही गांव जाते हैं, लेकिन ट्रेन इजी पड़ता है सब बोलते हैं, तो इस बार ट्रेन का टिकट किया। लेकिन ट्रैवल बच्चों के साथ करना बहुत ही मुश्किल। तो फाइनली हमें ट्रेन मिल गया है, ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है और हम चढ़ गए अच्छे से। तो फिर हम जाएंगे दादर और दादर से हम ट्रेन लेंगे। तो देखते हैं कोई अगर लगता है तो कोई हम रेकमेंड करेंगे, क्योंकि दो दो 3 लगेज पड़ेंगे और बच्चे छोटे लास्ट ईयर 2 साल पहले एक बार ट्रैवल हुआ था और अब इस बार ट्रैवल हो रहा है, मतलब लेकिन इतनी शांति से बैठे थे।
tickets or buses ready for inspections by the ticket checking staff to avoid delay. में बैठ गए हैं मांडवी एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम है जो आई डोंट नो लास्ट स्टेशन कुटलास्त है सर, क्या मैं कुटलास्त पता नहीं लास्ट किधर उतरती है, लेकिन चिपलून पहुंचाएगी हमारे गांव। और यहां है मायरा, रोहित और दिव्यांश, और ये एसी कोच लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। जब हम निकले हाँ गुड, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि पनवेल स्टेशन कब आए और हम गरम गरम वड़ा पाव कब खाएं, लेकिन वो वड़ा पाव वाले भी नहीं आए और हम लोग सुबह से चाय नहीं पी थी ना कुछ खाया था। तो देखिए अगर भूखे हैं ना तो भगवान भी आपके लिए कुछ खाना भेज ही देता है। कल है सामने काका हाई कर तो ये हमारे तरफ से है और उन्होंने ये खाउड़े बोलते हैं इसको, मतलब ये नीर डोसा जो बोलते हैं ना, ये नीर डोसा है जो कि साउथ में हम बनाते हैं मोस्टली, और कोकोनट चटनी। और मुझे बोला भूख लगी है खा लो चलो घर के बनाए हुए, तो अभी मैं ये खा रही हूँ फुकट का मिला हुआ। और मायरा सो गई है और दिव्यांश यहाँ खेल रहा है, अभी मैं जल्दी जल्दी ये खा लेती हूँ, जितना खा सके इतना खा लेती हूँ। चाय तो मैंने पी ली है, तो बस अभी ट्रेन थोड़ा फास्ट हो गई है, अभी इतना भी नहीं है, हल्के हल्के चल रही है, लेकिन बाद में ये पिक करती है और फिर 2 घंटे का ट्रैवल जल्दी जल्दी करती है, तो ठीक है चलो भूखे का सहारा। तो इतने प्यारे हैं हमारे कोकण के लोग, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने प्यारे कोकण के लोग हैं ये। और ये कोकण में जाने वाली है ना, तो मोस्टली इधर 90% लोग कोकण के ही होते हैं, जो कि जान पहचान की जरूरत नहीं लगती हमें, बस ऐसे ही बात हो गई तो हो गए, हम एक एक परिवार जैसे हैं। फिर देखिए अभी हम चिपलून स्टेशन पहुंच गए और ये मेरे पापा और पापा लेने के लिए आए थे स्टेशन पे, तो अभी हम जाएंगे मेरी जो नणंद है दीदी है उनके इधर एक बैग पहुंचाएंगे और फिर सीधा जाएंगे घर। और ये देखिए वड़ा पाव, दीदी तुला पाहिजे वड़ा पाव, ओके चलिए।
आजीच घर आलं, चला चला चला। ओहो मायू चल, आजीच घर आलं, चला 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 चला। हा ये चलो, मेरी मम्मी का घर आया, मेरे पापा का। चला 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 ये थांबा थांबा, बाबू येतोय 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 येतोय, बाबू येतोय। हे रे दिव्यांश, ती बॅग राहू दे, घेतो मी। झोपलेला होतो। बरं झोपायचंय मला माहितीये, थांब बरं, थांब बरं, बरं जा काढतो फोन घे ना, पाटी पाटी आजीच्या काय खरं नाही पण लाईट नाही ना काढल्यावर भरपूर गरम होते।